करनाल के नेशनल हाईवे पर बने दाना पानी फूड कोर्ट के बाहर बने शहीद परिवार के खाना पानी फौजी ढाबे पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। ढाबे के मालिक बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि ढाबे के सभी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद साजिश के तहत ढाबे को आज गिराया गया है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के नगर निगम के अभियान के तहत शुक्रवार को जीटी रोड स्थित दाना पानी होटल के सामने ग्रीन बेल्ट में खाना पानी के नाम से बनाए गए ढाबे को निगम की डेमोशनल टीम ने तहस नहस कर दिया है। इस कार्यवाही में हालांकि विरोध की संभावना थी, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे विरोधकर्ताओं की एक न चली। इस कार्यवाही की जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि NH44 पर दाना पानी के सामने एक व्यक्ति द्वारा ग्रीन बेल्ट में खाना पानी ढाबा बनाया गया था, जो नियम अनुसार गलत था। ढाबा मालिक ने इसकी शहरी निकाय निदेशालय से CLU भी मांगी थी, जो रिजेक्ट हो गई है। यही नहीं, विधानसभा की पिटीशन कमेटी में भी मामला गया, लेकिन वहां से भी ढाबे को अस्तित्व में नहीं रहने देने के आदेश हुए। परिणाम स्वरूप आज इसे तोड़ने की कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया कि ढाबे के निर्माण को सभी जगह से अयोग्य पाए जाने के बाद भी इसके मालिक ने इसे चलाए रखा। परिणाम स्वरूप उसे नोटिस देकर ढाबा हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंततः इसे गिराने की प्लानिंग बनाई गई। नगर निगम की डेमोलिशन टीम के लिए BDPO नीलोखेड़ी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया तथा SHO सदर के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों से भरी दो बसों को मौके पर भेजा गया। भारी पुलिस बल को देखकर ढाबा मालिक विरोध नहीं कर पाए। देखते ही देखते दो JCP की मदद से ढाबे को तोड़ दिया गया और चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि अवैध रूप से ढाबे का दोबारा निर्माण किया जाएगा तो नियम अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। 3 साल पहले मेरे शहीद भाई के लिए स्मारक बनाने के लिए जगह मोल ली थी, जो एक ढाबे के रूप में थी, जिसमें 35 साल से इंतकाल हिस्ट्री मेरे पास सुरक्षित है। और जी 2010 में नगर निगम आया तो उन्होंने मेरे को लाइसेंस दे दिया, ढाबा रजिस्टर करवा दिया जी मेरा, और सारे टैक्स 31 मार्च 2020 तक मैंने सरकार में जमा करवाया नगर निगम करनाल में, और फिर भी और हाईकोर्ट में केस है जी, और 5-8 मई को बहस लग रही है, उससे पहले गिराना चाहते हैं। और गिरा जिसमें गिरा दिया, सारा गिराना चाहते थे, आज गिरा दिया। हम यहाँ पर नहीं थे, हमारी मशीन ढाबे पे थी, एक आज यहाँ मौका देख के धोखे में ढाबा गिरा दिया गया ताकि कोई फौजी रिटायर फौजी ना आ सके। कौन आए थे, कौन से डिपार्टमेंट से आए थे? पुलिस भी आई थी? नगर निगम पुलिस के साथ आए थे जी, फोर्स के साथ। हम यहाँ पर हमारी मशीन थी सिर्फ, समझा, और ये कर्मचारी थे ढाबे के। तो कब लगाई थी और कौन हुए थे शहीद, क्या नाम था? मेरा बड़ा भाई शहीद सुबे सिंह संधू, जो सियालकोट पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, जिनके ऊपर बॉर्डर फिल्म भी बनी हुई है। अंकल पहले भी गिराने के लिए आए थे? पहले 4 सितंबर 2019 को गिराने आए थे, वहाँ रिटायर फौजी इकट्ठे होने के कारण इन्होंने वापिस जाना पड़ा। आज मौका पाके धोखे से ढाबा गिरा गए हैं। हाईकोर्ट में केस चल रहा जी, दो केस हमारे इनके ऊपर, समझा, उसमें 8 मई को बहस में लग गया केस। और जज साहब ने मुझे कहा था आपका ढाबा नहीं गिरेगा, मगर आज ये गिरा दिया गया मेरी गैरहाजिरी में, और हमारी मिलकर बाल बाल बचे हैं बाहर निकलने गए, JCP नहीं रुकी, और सारा मौका देख सकते हैं। हमें न्याय चाहिए इस देश में, हम जो है ना इस देश में जो है ना हमारे भाई ने जान दी है, और जान के देने के बदले में हमारे को सजा दी जा रही है। आज पुलवामा की बरसी है 1 साल की, आज उसी दिन उन्हें गिरना चाहता था। अगर शहीदों को परेशान करेंगे जब देश को पता लगेगा क्या हो रहा है देश में। क्या कुछ कहना चाहेंगी, ये डब्बा जब गिरने आए तब? जिस टाइम आए नहीं, मैं अकेली थी, तो फिर झाड़ू बोल मरी, मैं अकेली थी तो मन आज तू बाहर निकल और आम उसको गिरा। सामान काटने का भी मौका नहीं दिया? सामान काटने का, हमारी जान बचाने का नहीं मौका। मैं बड़ी ना उस टाइम भी गिर गए, एक पुलिस वाली ने मेरी कुंजी भर के बाहर निकल गई, साली देगी गाइड का। सामान भी नहीं निकाला आपने? सामान कहाँ निकला था, सामान तो टूटा पड़ा सारा। मौका नहीं दिया जी, आया कौन सामान निकालने का? अकेले दो आदमी। कौन कौन आया था? कितने लोग? नगर निगम के लोग थे, लेडी पुलिस थी, दो बस भर रही थी, दो बस पुलिस की भरी थी, दो पुलिस की भरी हुई थी, और इनके सारे महकमे के थे, नगर निगम के। नगर निगम के। आपका नाम? राजपति है। राजपति।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद